नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 में गणित पढ़ेंगे। कक्षा 6 की गणित में हमारा प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हो गया था। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा 8.4। तो 8.4 के सवाल है इस प्रकार, दशमलव को प्रयोग करके रुपए में बदलिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको पैसे दिए हैं 5 पैसे, इन सभी को हमें दशमलव लगा के और रुपए में बदलने हैं। तो प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर पहले का ए है 5 रुपए। तो हम कैसे बदलेंगे, इसमें आपको ई तक सवाल दिया है, ए से लेके ई तक सारे को हमको पैसे दिए हुए हैं और रुपए में हमें इसे कन्वर्ट करने यानी बदलने। तो हम कैसे बदलेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे लिखा है 5 पैसे, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 100 पैसे बराबर कितना होता है, 1 रुपया होता है ना, 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसीलिए 1 पैसे बराबर 1/100 रुपए, 5 पैसे बराबर 5 × 1/100, 5 एकम तो यहाँ पे आएगा 5 × 5 और फिर बटे में आ जाएगा 100, 100 से हमने यहाँ पे इसको भाग दिया तो हमारा जवाब आएगा 0.05 रुपए। फिर उसी तरह से हमारा बी नंबर है 75 पैसे, 75 पैसे तो उसी तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे 100 पैसे बराबर 1 रुपए, इसीलिए 1 पैसे बराबर 1/100 रुपए, 75 पैसे बराबर 75 × 1/100 रुपए, और फिर 75 का 1 में गुणा किए तो 75/100 भाग देंगे तो वही आंसर आएगा 0.75 रुपए। सी नंबर है 20 पैसे, 100 पैसे बराबर 1 रुपए, इसीलिए 1 पैसे बराबर 1/100 रुपए, 20 पैसे बराबर 20 × 1/100, 20/100 भाग देने पर 0.20 रुपए। डी बराबर है, डी है 50 रुपए 90 पैसे, 100 पैसे बराबर 1 रुपए, इसीलिए 1 पैसे बराबर 1/100 रुपए, 50 रुपए का 90 पैसे बराबर 50 रुपए + 90 पैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर 50 रुपए + 90 × 1/100 रुपए, 50 पैसे प्लस 0.90 रुपए बराबर 50 × 0.90 रुपए, तो होगा बराबर 50 रुपए. ई नंबर है 725 पैसे, 100 रुपए बराबर 100 पैसे बराबर 1 रुपए, इसीलिए 1 पैसे बराबर 1/100 रुपए बराबर 700 प्लस 25 × 100, कोष्टक में कर देंगे रुपए, फिर हम 775 पैसे बराबर 775/100 रुपए बराबर हमको इसमें भाग देंगे तो 7 + 0.25 रुपए, तो आंसर हमारा आएगा 7.25 रुपए। इस तरह से बच्चों हमारा जो था प्रश्न नंबर 1 वो कंप्लीट होता है, जो प्रश्न नंबर 1 था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आया प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में हमको क्या करना है, दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त करिए। इसमें भी हमको ई तरह दिया है, सेंटीमीटर में सारे सवाल है और इसे हमें मीटर में चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखने का प्रश्न नंबर दूसरे का ए है 15 सेमी, 100 सेमी बराबर 1 मीटर, इसीलिए 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 15 सेमी बराबर 15 सेमी बराबर 100 सेमी बराबर 1 मीटर होता है, इसीलिए 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 15 सेमी बराबर 15 × 1/100 मीटर, 15/100 मीटर बराबर 0.15 मीटर। बी है 6 सेमी, 100 सेमी बराबर 1 मीटर, इसीलिए 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 6 सेमी बराबर 6 × 1/100 मीटर, तो भाग दिए 6 × 6 और 100 फिर इससे भाग देंगे तो बराबर 0.06 मीटर।
इसी तरह से सी नंबर का सवाल है, 2 मीटर 45 सेमी, तो 2 मीटर 100 सेमी बराबर 1 मीटर, इसीलिए 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 2 मीटर.45 सेमी बराबर 2 मीटर+45 सेमी, 2 मीटर+45 × 1/100 मीटर बराबर 2 मीटर+45/100 मीटर बराबर 2+0.45 कोष्टक बंद, मीटर बराबर 2.45 मीटर। बी नंबर का सवाल है 9 मीटर.7 सेमी, 100 सेमी बराबर 1 मीटर, इसीलिए 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 9 मीटर.7 सेमी बराबर 7 मीटर+7 सेमी, 9 मीटर+7 × 1/100 मीटर, 9 मीटर+7/100 मीटर बराबर 9.9+0.07 मीटर बराबर 9.07 मीटर। ई का है, ई नंबर है 419 सेमी, 100 सेमी बराबर 1 मीटर, इसीलिए 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 419 सेमी बराबर 419 × 1/100 मीटर बराबर 419 मीटर/100, 400/100+19/100 कोष्टक बंद बराबर 4.19 मीटर। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न नंबर भी पूरा होता है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में हमको दशमलव का प्रयोग करके सेमी में व्यक्त कीजिए, ये मिमी में दिया हुआ है, हमें सेमी में व्यक्त करना है। तो वो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, 3 × 1 = 5 मिमी, तो 10 मिमी बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 10 मिमी बराबर 1 सेंटीमीटर, इसीलिए 1 मिमी बराबर 1/10 सेमी, 5 मिमी बराबर 5 × 1/10 सेमी बराबर 5/10 सेमी बराबर 0.5 सेमी। बी नंबर है 60 मिमी, 60 मिमी बराबर 10 मिमी बराबर 1 सेमी, इसीलिए 1 मिमी बराबर 1/10 सेमी, 60 मिमी बराबर 60 × 1/10 सेमी, 60/10 सेमी बराबर 6 सेमी। सी है 164 मिमी, 10 सेमी बराबर 1 सेमी, इसीलिए 1 मिमी बराबर 1/10 सेमी, 164 मिमी बराबर 164 × 1/10 सेमी बराबर 164/10 सेमी, 100+60+4 में क्या लिखने का 100, इन सबको हमने यहाँ पे जोड़ा, सबके नीचे 10-10 रख दिया, फिर बाद में 100/10, 60/10 और 4/10 सेमी, तो यहाँ पे 10/60 ये 0-0 से कट गया, यहाँ पे भी 0 से कट गया, तो ये 10 बचा, तो 10, 6 और 4 इन सबको लिखा, इन सबको जोड़ा तो 16.4 सेमी आएगा। फिर डी नंबर का है 9 सेमी बराबर 8 मिमी, 10 सेमी बराबर 1 सेमी, इसीलिए 1 मिमी बराबर 1/10 सेमी, 9 सेमी 8 मिमी बराबर 9 सेमी+8 मिमी बराबर 9 सेमी+8 × 1/10 सेमी, 9 सेमी+8/10 सेमी, 9 सेमी+0.8 सेमी बराबर 9.8 सेमी। ई नंबर का है 93 मिमी, 10 मिमी बराबर 1 सेमी, इसीलिए 1 मिमी बराबर 1/10 सेमी, 93 मिमी बराबर 93 × 1/10 सेमी बराबर 93/10 सेमी, तो यहाँ पे भी 10 रखेंगे और 3 काट देंगे, तो अब ये 0 से कट गया, यहाँ पे बचा 9.0 + 0.3, अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो यहाँ पे आए 9.3 सेमी। इस तरह से बच्चों जो हमारा प्रश्नावली 8.4 था वो आज मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट करवाया। प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 तक हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। तो आज का आपका घर काम ये है कि आपको गणित की नोट में प्रश्नावली
8.4 प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट करना है, तो नोट में करना है, यही आज का आपका घर काम है। और स्वाध्याय पोथी में भी प्रश्नावली 8.4 कंप्लीट करना है। धन्यवाद।